बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तुहाडा ठीक ठाक? सब कुछ जुम्मा मुबारक ते जरूरी थी तो शुरुआत थी गई है। अम्मी मेरी नमाज कुरान पढ़ते बैठे हैं। अच्छा, जिन जिन जिन्हें जिन्हें लोगों ने ना दुआ ते आखे ना तो उन वास्ते जरूर दुआ कर। अम्मी मेरी नमाज पढ़ी थी क्योंकि जुम्मा था। वैसे भी वो सुबह के टाइम पढ़ती हैं लेकिन जुमे के दिन थोड़ा सा कुरान चीज़ ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ती हैं। ये वाली सूरत भी उन्होंने पूरी पढ़नी होती है। हर जुमे ही पढ़ती हैं ये वाली सूरत और फिर जो अपना वो डेली का पढ़ती हैं उसे भी कंप्लीट करती हैं। तो जिन जिन लोगों ने मुझे दुआ का कहा था वो मुझे नाम याद हैं, वो मैंने उनके लिए दुआ कराई थी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज जुमा था, मेरी कुछ तबीयत डल थी और फातिमा भी आज चिड़चिड़ी हुई बैठी थी, उसे किचन में लेके आई थी साथ। मैंने सोचा चलो चाय पी लेती हूँ, शायद मेरी तबीयत कुछ ठीक हो जाए। तो घर के सारे काम कंप्लीट करके लास्ट में मैंने चाय बनाई थी। ये मेरी काम कंप्लीट करने के बाद की चाय है। मैंने अभी खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था। अम्मी नमाज़ पढ़ लेंगी तो मैं उसके बाद नमाज़ पढ़ूंगी क्योंकि फातिमा सेन में घूम फिर रही होती है तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो अम्मी के लिए मैंने निकाल ली थी लेकिन अपने लिए मैंने थोड़ी सी पत्ती और ज़्यादा डाली है क्योंकि मुझे वाइट चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छी भी नहीं लगती और लगता है कि जैसे बस थकावट ही नहीं उतरी, जहन ही नहीं खुला, इस वजह से फिर मैंने थोड़ी पत्ती और डाली है। मुझे ज़्यादा पत्ती वाली चाय पसंद है। अम्मी को वो दे आई हूँ चाय और अभी ये वाली मैं पीऊँगी अपने लिए। अच्छा, थोड़ा सा चिकन मेरे पास पड़ा था, मैंने उसे निकाल के वॉश करके रखा था तो चाय मैंने अभी ही डाली है। और थोड़ा अभी मैं कुछ और तो बिल्कुल नहीं कर पा रही थी क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से। फिर मैंने सोचा कि इतनी देर में क्योंकि मैरिनेट तो इसे करना ही है तो चलो अभी फ़िलहाल और कुछ नहीं डाल सकती। तो नमक मिर्च तो बिल्कुल सामने पड़ा था, मैंने नमक मिर्च लगा के अभी इसे साइड पे कर दिया है। एक कप चाय पीने के बाद ही कुछ होश आएगा, कुछ समझ आएगी काम की। तो अभी जो है फ़िलहाल इसे ढक के रख दूँगी। अभी ये इसका पेस्ट बना के ना फिर इसे लगाती हूँ। अभी ये सारी चीज़ें पड़ी रहें, थोड़ा सा इसका पेस्ट बनाना है। अभी मैंने बना के जब भी मुझे टाइम मिले मैं ना लहसुन बना के रख देती हूँ तो वो टाइम पर टाइम ना बड़े काम आते हैं। अभी चाय पी के आ गई हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है और भूख का टाइम था तो नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। और आपको पता है कि जुम्मे नमाज के फ़ौरन बाद जैसे सबको ही भूख लग जाती है। तो अभी मैंने निकाली थी सूखा धनिया। सूखा धनिया जो है वो फ्रेश वाला बनाऊंगी, थोड़ी इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। साथ में डाल दूंगी मैं थोड़ा सा लहसुन, जो मैंने लहसुन डाला था, और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें रेड मिर्ची पेस्ट वाली कुटी। तो मैंने ऑलरेडी उसे मैरिनेट के लिए रख दिया है ना, तो इसमें थोड़ी सी मैं कुटी लाल मिर्च डाल दूँगी। और साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ में डाल दूंगी नमक। तो बिल्कुल थोड़ा डालूंगी क्योंकि मैंने उसमें भी गोश्त में भी मैरिनेशन के लिए जब डाला है तो नमक मैंने डाला है, ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। और बिरयानी मसाला जो मैंने अपने घर पे ही बना के रखा था, मैंने ये बनाया था, कब बनाया था, काफ़ी दिन हो गए, वीडियो भी डाली है मैंने, तो मैंने ये बनाया था, बहुत मेरे काम आता है बिरयानी में, टिक्का में, ऐसा चिकन मीट कुछ भी मुझे मैरिनेट करना होता है ये मेरे बड़े काम आता है। अच्छा, इन सबको मैंने ना नीचे बैठ के पीस लिया था क्योंकि इधर स्लैब पे तो नहीं, कई लोगों ने मुझे मना किया, जब से मना किया ना मैं तब से फिर मैं नहीं करती कि कहीं टूट ही ना जाए और स्यापा गले पड़ जाए क्योंकि किचन के छोटे छोटे काम हैं जो मेरे अभी रहते हैं मैं नहीं करा पा रही क्योंकि कारीगर ही नहीं मिलते, मिलते हैं तो उनके बड़े नखरे होते हैं। खैर जो है अभी जो है मैं चिकन जो है उसको
बोटी जो है उसकी छोटी करूँगी, और साथ में जो मैंने मसाला बनाया है उसका सारा, उस सारे को मैंने पीसा है लीमू डाल के, क्योंकि वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाए और बोटी के साथ लग जाए, तो लीमू डाल लिए हैं मैंने, सूखा मसाला डाला है, दही वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, थोड़ा सा लीमू जो है ऊपर से क्रश करके वो मैं डालूँगी, तो ताकि ना इसमें लेमन जैसी खुशबू आए और टेस्ट आए, तो बड़ा मज़े का ये बनेगा। अच्छा, अभी जो मैंने सारा मसाला बनाया है, मैंने सारा मसाला पीसा है, मैं इसको चिकन पे लगा दूँगी, बहुत अच्छे से लगाऊँगी। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ऑयल, वो भी मैं इसमें साथ में मिक्स कर दूँगी, और लीमू भी, वैसे मैंने थोड़ा सा खुरच लिया है, लीमू का पानी भी मैंने डाला है, अभी इसे मिक्स करके रख देती हूँ साइड पर, और थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है, और थोड़ा सा मैं बॉयल कर लूँगी चावल, क्योंकि आप सबको पता है मैंने कल बनाई थी दाल, और दाल वो अभी फ्रिज में रखी थी, तो और मैंने आज सालन बिल्कुल नहीं बनाना था, आज मेरी सालन की छुट्टी थी, एक तो जुम्मा था और तबीयत भी कुछ काफ़ी डल थी, तो अभी जो है मैंने थोड़े से एक कप मैंने निकाला है चावलों का, और उन्हें मैं कर लूँगी बॉयल, और साथ में मैं बनाऊँगी थोड़े से फ्राइज़, क्योंकि आपको पता है कि फातिमा को फ्राइज़ बहुत पसंद है। फ़्राइज़ के लिए मैंने पैन में ऑयल डाल दिए है, इतनी देर में ये गर्म होगा उतनी देर में मेरे फ्राइज़ भी कट हो जाएंगे, मेरे चावल भी बॉयल हो जाएंगे, और सारा काम आज कंप्लीट हो जाएगा। आज कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाना, बस जो कुछ है उसके साथ बच्चों के लिए बस थोड़ा सा बना लूँगी, और सालन चावल आज एक्स्ट्रा वाले जो है ना वो बिल्कुल नहीं बनाने। एक चूल्हे पे मैंने चिप्स रख दी है, और छोटे वाले पे, क्योंकि वो तो स्लो फ्लेम पे भी बन सकती है, वो बनती रहेगी। एक पे मेरे चावल बन रहे हैं, दूसरे तवे पे मैंने डाल दिया है घी, और अभी मैं इसमें चिकन जो मेरा मैरिनेट था, बस इतना टाइम था, मैं बस डन, ज़रा आज काम ज़रा जल्दी ख़त्म करने के मूड में थी, क्योंकि मुझे आज थोड़ा नहीं है ठीक फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से काम मुकम्मल और मैं थोड़ा सा आज रेस्ट कर लूँ। और फ्राइज़ मेरे जो है तकरीबन पक ही गए थे, तो थोड़े थोड़े मैं अंदर दे दूँगी, इस तरह वो खा लेंगे, और मैं एक मतलब इस तरह आज नहीं करूँगी कि सारा इकट्ठा बना के जाऊँ, क्योंकि मैं चार भूख सबको लगी थी, इस टाइम तीन का टाइम था, सुबह नाश्ता करके रुमान पढ़ने बैठ जाता है, और मैं फिर दूसरे घर के काम काज करके, तो फिर नमाज़ पढ़ के मैं फिर किचन में आ गई थी। पहले फ्रिज में जाके देखा तो कल का मैंने सोचा कि जो है उसी से बस कर लेते हैं, तो दाल तो पड़ी थी, तो मैंने बस थोड़े से चावल बॉईल किए हैं, और दो तीन आलू की चिप्स बना ली है, साथ में चिकन पड़ा था, तो चलो थोड़ा चटकारा भी हो जाएगा, दिन का थोड़ा गुजारा भी हो जाएगा, और बॉईल चावलों के साथ वैसे ही अच्छा लगता है, तो बस ये भी मेरे डन है, और चावल भी मेरे डन है, दाल ऑलरेडी डन है, और चिप्स भी डन है, बस। भूख तो मुझे भी जोरों की लगी थी, प्लेट मैंने देखी तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया, मैंने खैर थोड़ी सी चख ली है, और बोटी मैंने भेजी अम्मी को कि चख के बताएं नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है, तो सबने कहा कि नमक मिर्च बिल्कुल ओके है, तो बस फिर आप बस लेके आ जाओ, और मैंने ये वाली प्लेट जो निकाली है ये मैं अभी अंदर भेजूँगी, और दूसरे जो बोटी हैं वो मैं रख दूँगी फ्राई होने। अच्छा, जब मैं इनको तवे पर फ्राई करती हूँ तो हल्का सा पानी का छींटा मैं दे देती हूँ, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि ये है कि वो किनारों से ना जो मसाला हम डालते हैं ना तवे पे वो काला होने लग जाता है,
फिर उसके साथ जैसे ही वो काला होता है फिर साथ में मसाला भी जलने लग जा स्टार्ट हो जाता है, फिर बोटियाँ भी जलने, गलती नहीं है, जलने लग जाती हैं। तो ये है कि पानी से थोड़ा गल भी जाएंगी और वो मसाला भी नहीं जलेगा और ये बिल्कुल सही अपने कलर में बहुत अच्छी बनेंगी। अभी मैं अपनी प्लेट बना के गई थी और उसमें से कुछ अम्मी ने लिया और कुछ मैं खाऊंगी। बस जी हमारा दिन का जो है ऐसा खाना गुजारा हो गया, बहुत अच्छा गुजारा हुआ माशाल्लाह से। मैं और मेरी बेटी मिलके खाएंगे। फातिमा को खीरे इतने पसंद है और मैं उसे डर से नहीं खाने देती क्योंकि वो दूध पीती है, तो कहते हैं कि मतलब जो बच्चा दूध पिए तो वो खीरे ना खाए, तो मैं उसको मना करती हूँ कि वो ना खाए, लेकिन वो जहाँ पे भी जाए उसे खीरे नज़र आ जाए ना तो भाग भाग के खीरे खाएगी। तो अच्छा कुछ मुझे सामान की ज़रूरत थी तो मैंने फातिमा और रुमान को भेजा कि चलो कुछ सामान ले आओ, ये ऐसे ही रुपए भेजे, तो मैंने रुमान को ये रो के और पीछे भाग पड़ी, वो बेचारा इसे लेके गए रास्ते में ये सो गई, तो वो बेचारा इसे बड़ी मुश्किल से ले गया, वो इसे लेके ही नहीं जाता था। सुबह से मेरी आज इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी रात में ठीक से, या पता नहीं तकिया नहीं ठीक था, तो सुबह से ही सर में शदीद दर्द है और इस साइड पे सारा दर्द है। तो खैर रूटीन के जो काम करने थे वो तो मैंने किए हैं, लेकिन आज हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो हालांकि चाय भी पी है, लेकिन ये कि टैबलेट खाने की मुझे आदत नहीं है और टैबलेट मैं लेती भी बहुत कम टैबलेट लेती हूँ। ये कि जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए या कुछ ज़्यादा ही मसला हो जाए तो फिर। अच्छा ये वाला मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, ये मेरी एक व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो उनकी इतनी बार उन्होंने रिक्वेस्ट किए, मैं हर बार भूल जाती थी, आज अचानक से मेरे जहन में आया है तो मैं फिर उनके लिए ये स्क्रीन शॉट ले रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि अपने बालियाँ दिखाएं, हमने लेनी है, तो ये स्क्रीन शॉट था उनके लिए। उन्होंने कई बार मुझसे कहा प्लीज़ सिस्टर अपना कान की बालियां जो है इनका स्क्रीनशॉट भेजें। मैं बिल्कुल यकीन माने मेरे जहन से उतर जाता था, आज बैठे बैठे जहन में आया है तो मैंने सोचा कि कर दूँ काम वरना भूल जाऊंगी। तो आज जो है मेरी बड़ा ही दिल था कि मैं कुछ ठंडा पीऊँ या ऐसा कुछ, तो फिर मैंने ये मरिंडा मंगाई है और आज जो है ना याशी है मरिंडे की, मरिंडा की याशी हो रही है। मेरा बड़ा दिल था आज ठंडा सा मरिंडा और मैं पीऊँ, पता नहीं बीपी प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ, तो अभी मैंने मंगाई है मरिंडा और अभी हम पियेंगे मरिंडा, रुमान भी साथ में पिएगा, वो तो यही बातें ढूंढता है। तो आपसे चाहूँगी जी इजाज़त, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।